कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर मोहल्ला में सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में बुधवार को 46 गांव में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी अलग अलग थाना क्षेत्र के गाँव पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किए। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में पुलिस चौपाल लगाया गया, जिसमें कुल 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 4 मामले जमीन से संबंधित थे तथा 2 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया है तथा 2 बचे मामलों को संबंधित अधिकारी को निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, पुलिस चौपाल में यह भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर चौपाल लगा है वहाँ पर कोई विवाद तो नहीं तथा किसी तरह का जातिगत विवाद ना रहे तथा अराजक तत्वों की भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे समय पर कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर पेडलेगंज चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद शाहनी सहित फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, लिस्ट है लाइसेंस वाला लिस्ट मंगाइए, कितना बाकी है इसमें कोई मुकद इस रजिस्टर में देख लीजिए, इस साल का नहीं पहले का चुनाव को लेके कोई मुकदमा तो नहीं पंजीकृत है। जैसे आपका 2017 में चुनाव हुआ, 2016 में हुआ, 2017 किया नहीं गया था तो हमने मान लिया था आप क्या किया था सीधा, उन्होंने भी आदेश किया था कि कार्रवाई करके अवगत कराया आदेश किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं कार्रवाई तो थोड़ी देर इसमें साफ सुथरा भी नहीं किया गया। पुलिस चौपाल का आयोजन किया, किस तरह के मामले हैं, कितनों का निस्तार होगा? पुलिस चौपाल का आज आयोजन जो है दाऊदपुर मोहल्ले में किया गया है। कुल 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 प्रार्थना पत्र जमीन से संबंधित थे, 2 प्रार्थना पत्र पुलिस से संबंधित थे, 2 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण हुआ है और 2 प्रार्थना पत्रों का संबंधित अधिकारियों के लिए मार्क कर दिया गया है निस्तारण हेतु, और अन्य विविध निर्दिष्ट बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। कितना चौपाल में कारगर साबित हो रहा है? चौपाल जो है जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है उस दृष्टिकोण से बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। चौपाल के दौरान हम लोग इस बात का भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण से आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसके दृष्टिकोण से वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो या कोई जातिगत सांप्रदायिक या इस तरह से पुराना जमीन संबंधी विवाद हो या कोई इस तरह का उस क्षेत्र में बाहरी असामाजिक तत्व रह रहा हो जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकता हो, तो इस तरह की फीडबैक हम लोग जनता से प्राप्त करके उसमें भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और एक लोगों के बीच ये अच्छा मैसेज जा रहा है और लोग अपना विचार भी इस माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं।